हाय गाइस, चलो आज आप लोगों को लेके चलती हूँ बार्बीक्यू नेशन में, जो कि है जेड स्क्वायर मॉल में, कानपुर में। सो लेट्स रिव्यू देयर फूड एंड एम्बियंस, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर ब्लिस्टर। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अच्छा सा वीडियो जो मैं आई हूँ बार्बीक्यू नेशन में। और गाइस, यहाँ का एम्बियंस वाज सो नाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। और बाकी की क्लिप्स मैंने ऐड करी हैं आगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखना और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो गाइस, शुरुआत करते हैं यहाँ के एम्बियंस से और डेकोर से। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ का डेकोर, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख ही सकते हैं कितना डाइनिंग की बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने कर रखा है, लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे हमारे स्टार्टर्स आना स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टर्स में पहले ये लोग ये स्टार्टर्स देंगे, जैसे पनीर टिक्का हो गया, गोलगप्पे हो गए, और भी बहुत कुछ यहाँ पे। यहाँ ड्रिंक्स मैंने ऑर्डर की थी, वर्जिन मोजीटो, बहुत ब्लूबेरी मोजीटो, बहुत सारा था। और यहाँ वाइट सॉस पास्ता वो सो यम्मी। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं मेन कोर्स पे। मेन कोर्स में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये शाही पनीर और ये यहाँ पर दाल मखनी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये दम बिरयानी थी, तो आई एट दम बिरयानी, शाही पनीर और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी तो उसके लिए भी ये दूसरी वाली प्लेट थी। और यहाँ के डेजर्ट्स सो यम्मी यार, यहाँ की ब्राउनी, यहाँ का कपकेक बहुत अच्छा था। और ये हम लोग ने कुल्फ़ी बनवाई थी जो वो स्प्रिंकल करके देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी, ये वाली चॉकलेट कुल्फ़ी। एंड हम लोग ने एक वनीला वाली ली थी, सो बहुत टेस्टी था गाइस ये। सो या बहुत, यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टाफ बहुत काइंड था, बहुत अच्छा था। एंड आई एट एवरीथिंग, सब बहुत अच्छा टेस्टी था यहाँ का फूड। मुझे एक दो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। कुल्फ़ी प्लीज डू नॉट ईट, गंदा वो बनाया है, मुझे लगा इसको पसंद नहीं आएगी, और इसको पसंद नहीं आएगी। गाइज़, आप सोच रहे होंगे ये क्या था, तो हाँ जी हाँ, आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं बार्बीक्यू नेशन में, जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक केक प्रोवाइड कराएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक प्रोवाइड कराएंगे, एंड ये जो मैंने लगा रखा था वो। और यह बहुत अच्छा लगा मुझे। देन मैं गई थी स्टारबक्स, स्टारबक्स गई थी कॉफ़। एंड हाँ गाइज, यहाँ मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी है जो कि मुझे मिली थी रूपाली दी, शी वॉज सो नाइस। एंड ये भी एक यूट्यूबर है, मिस अलाबादी गर्ल। सो गाइज, बार्बीक्यू नेशन के बाद हाउ कैन आई फॉरगेट दीज डेकोरेशंस। गाइज, यहाँ का डेकोरेशन, जेड स्क्वायर मॉल का डेकोरेशन डे बाई डे चेंज होता रहता है, एक डे बाई डे नहीं, मतलब एवरी ओकेशन पे चेंज होता रहता है। और अभी का ओकेशन जो था दिवाली का, यहाँ का डेकोरेशन इतना सुंदर था ना, मैं क्या बताऊँ। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ये कैंडी फ्लॉस में, जो कि अलग अलग तरह के कैंडीज देते हैं, बहुत अच्छा था ये। और यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ पूछा कुछ, और कैंडी फ्लॉस के ही सामने हमें 99 स्टोर दिख गया था, तो हम लोग 99 स्टोर में चले गए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि स्टार्टिंग बहुत ही सही थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। 129 का, बस काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरे हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 799, और काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख। फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम 249, एंड वी हैव फोटो फ्रेम, एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 499। यहाँ देयर इज सम फोटो मैसेजेस, एंड आई लाइक दिस वन, एंड इसका प्राइस मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बट आई रियली लाइक दिस वन। सो
सो गाइस 99 स्टोर के बाद मैं गई थी नायका स्टोर में कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करने और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी तो मैं घर गई। सो गाइस दैट्स इट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो मैं यही बनाऊंगी और मैं डेली अपलोड करने का सोच रही हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर।